देव मयान्यः स्वयं कर्म बन्धो घोरं दुःखं भवभोगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्ताप हेतुः ज्योतिरूपं दुरितनिवहध्वान्तविध्वंस हेतुं त्वामे बाहुर्जिनवरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्वारमुद्भासमानस् तस्मिन्नह कथनिरुतमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रुः स्मपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चायेतत् त्वयि दृढमना स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम् तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्या निष्काष्यन्ते विविधविषमव्याधयः कात्रवेयाः प्रागेवेहत् त्रिदिविभवना तीक्षिता भव्यपुण्या पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देवनिन्ये त्वेदम् ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस् तत्किञ्चित्रं जिनवपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि लोकस्येकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्वीताञ्चिरमदिवसं मामिकाञ्चित्तशय्या मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तव कथा स्फारपीयूषवापी तस्या मध्ये हिमकरहिमव्यूहनिद्युः शीते नितान्तम् निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदा उपतापाः
कल एक ही भाव स्तोत्र के अपन ने दो काव्यों को देखा था। पांचवें काव्य में कि भगवान आप इस लोक के एकमात्र निर्निमित्तेन बंधु हैं, बिना किसी प्रयोजन के। बाकी सारे संसार के रिश्ते, मित्रता के रिश्ते सारे स्वार्थ से भरे हुए हैं, लेकिन आपका जो संबंध है वो निस्वार्थ है। और आपके पास में एक ऐसी शक्ति है जिसको कोई बाधित नहीं कर सकता। आप समस्त पदार्थों को अपना विषय बनाने वाली केवल ज्ञान शक्ति से युक्त हैं, और भक्ति से जो विस्तृत है ऐसी मामिकम चित्तशैया, मेरी चित्तशैया पर आप चिरकाल से निवास कर रहे हैं। फिर मुझ में उत्पन्न तथा यानी इसलिए मुझ में उत्पन्न कथमेव क्लेश युथम सहेता, मुझ में उत्पन्न दुखों के समूह को आप कैसे सहन करोगे। तो यहाँ मित्र का जो है, मित्र पास में भी हो, शक्तिशाली भी हो, तो वो दुखों को कैसे सहन करेगा। इस प्रकार का आध्यात्मिक संबंध जो भगवान से है, उस मानसिक स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है जिसमें भगवान बहुत ही निकट हैं, शक्तिशाली भी हैं, सब कुछ जानते भी हैं, तो वो दुखों को कैसे सहन करेंगे। जब भगवान को जो अपने हृदय में धारण करता है तो वो दुखों से उपरीत हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। छठवें काव्य में जन्म रूपी अटवी में, जन्म रूपी जंगल में कथमपि किसी तरह से मया देव दीर्घम भ्रमित्वा, हे देव दीर्घ काल तक भ्रमण करके प्राप्ता ए वियम तव नय कथा स्फार पीयूषवापि, आपकी नय कथा रूपी अत्यंत विस्तृत अमृत की बापिका मुझे प्राप्त हो गई। तस्या मध्य हिमकर हिमक ब्यूह शीते नितांतम, उसके बीचों बीच जो कि चंद्रमा और बर्फ के समूह से भी ज्यादा शीतल है, मैं उसमें डुबकी लगाया हुआ हूँ, तब फिर वहां पर दुख का दावानल का जो संताप है वो क्यों दूर नहीं होगा, अर्थात अवश्य ही दूर होगा। भगवान की अमृत रूपी बापिका में या वाणी में जो भी स्मरण करते हैं वो सारे दुखों से दूर हो जाते हैं। अब इसके बाद अपन सातवें काव्य से प्रारंभ करते हैं। पादन्यासा दपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकीं, पादन्यासा दपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकीं, हेमा भासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च परमः, हेमा भासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च परमः, सर्वांगेण स्पृशति भगवंस। हाँ, यहाँ प्रेरणा है और आगे आता सा और पारा है तो इसमें स्वराघात होगा, तो सर्वांगेण स्पृशति भगवंस त्वय शेषं मनोमे, सर्वांगेण स्पृशति भगवंस त्वय शेषं मनोमे। श्रेयः किं तत् स्वयमहर्हर यन्न मामभ्युपैति, श्रेयः किं तत् स्वयमहर्हर यन्न मामभ्युपैति, श्रेयः किं तत् स्वयमहर्हर यन्न मामभ्युपैति। गाड़ी रुक रही बीच में। श्रेयः किं तत् स्वयमहर्हर यन्न मामभ्युपैति, यन्न मामभ्युपैति। श्रेयः किं तत् स्वयमहर्हर यन्न मामभ्युपैति। पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकीं, पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकीं,
पादन्यासादपि चपनुतो यात्रया ते त्रिलोकीम् हेमाभासो भवति सर्वे श्रीनिवासश्च पद्मः हेमाभासो भवति सर्वे श्रीनिवासश्च पद्मः सर्वांगेण स्पृशति भगवान् स्तय्य शेषं मनो मे सर्वांगेण स्पृशति भगवान् स्तय्य शेषं मनो मे श्रेयः किं तत् स्वयं हर हर यन्न मामभ्युपैति श्रेयः किं तत् स्वयं हर हर यन्न मामभ्युपैति पादन्यासादपि चपनुतो यात्रया ते त्रिलोकीम् हेमाभासो भवति सर्वे श्रीनिवासश्च पद्मः सर्वांगेण स्पृशति भगवान् स्तय्य शेषं मनो मे श्रेयः किं तत् स्वयं हर हर यन्न मामभ्युपैति पढ़िए भगवान बिहार करते हैं उसका वर्णन इसमें किया है। पाद न्यासादपि भगवान जहां पर अपने चरण रखते हैं और यात्रा से पुनतो त्रिलोकी भगवान जहां जहां बिहार करते हैं वहां पर तीनों लोकों को वो पवित्र करते हुए जाते हैं। जब आचार्य श्री के ही आने का पता पड़ जाए तो कितने हर्ष की अनुभूति होने लगती है। जो देखो उसके मन में बस केवल कि आचार्य श्री आ रहे हैं ऐसी भावना उमड़ पड़ती है। तो उनके बिहार से कुछ तीर्थंकरों के बिहार में भी क्या होता होगा थोड़ा सा अनुमान तो अपन लगा सकते हैं। तो तीनों लोगों को जो बिहार के द्वारा पवित्र करने वाले हैं जब वो बिहार करते हैं पाद न्यासाद अपि अपने चरण यहाँ पर रखते हैं हेमाभासः भवति सुरभि श्रीनिवासश्च पद्मः। जो कमल है भक्तावर में आप लोगों ने पढ़ा है वहां पर कि जहां जहां भगवान अपने चरण रखते हैं वहां पर देव कमलों की रचना करते जाते हैं स्वर्णिम कमलों की रचना करते जाते हैं। आचार्य महाराज ये भक्तावर के बाद का काव्य है तो आचार्य महाराज ने और कल्पनाओं को उड़ान देते हुए उसमें कि भगवान को स्वर्णिम नहीं होते जो रचना देवलोक करते हैं स्वर्णिम तो आपके चरण के स्पर्श से हो जाते हैं। तो हेमाभासः भवति वो कैसे हो जाते हैं स्वर्णिम हो जाते हैं वो तो साधारण रखते हैं लेकिन आपके चरण के स्पर्श से वो स्वर्णिम हो जाते हैं और साथ साथ में सुरभित भी हो जाते हैं। उनमें जब देवलोक रखते हैं तो उसमें कोई सुगंध नहीं होती लेकिन आपके चरण के स्पर्श पा करके वो सुरभित भी हो जाते हैं। और श्रीनिवासश्च श्री के निवास में लक्ष्मी के ग्रह भी बन जाते हैं। तो भगवान के चरण रखने से ये तीन कार्य उन कमलों में होते हैं इस बात को वहां पर
कहा गया है। तो भगवान आपके पाद न्यासात अपील, आपके चरण रखने से जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाले हैं, ऐसे भगवान के चरण रखने मात्र से ही पद्म हेमा भाषा भवती, पद्म जो है कमल स्वर्णिम हो जाते हैं, सुरभि हो जाते हैं, सुरभित अच्छी सुगंध वाले हो जाते हैं और लक्ष्मी के निवास हो जाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की मतलब भगवान तो वैसे जो है उसको स्पष्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहने के लिए इस प्रकार से कि भगवान के वो वहां पर कितनी भी नजदीकी हो, जहां रत्नहारी मुनिराज बहुत दूर दूर के लोगों के लिए भी प्रभावित कर लेते हैं, तो यहाँ पर कहने में ऐसा आ रहा है कि भगवान उसको उसके ऊपर पैर रख रहे हैं। वास्तव में तो भगवान जहाँ चरण रखते हैं उसके नीचे जैसे सिंहासन की रचना होती है, भगवान जहाँ बैठ रहे थे उसके नीचे सिंहासन चार अंगुल अंतर से होता है, तो उधर भी अंतर रहेगा, लेकिन कहने में यही आएगा कि भगवान सिंहासन के ऊपर बैठे हुए। इसी प्रकार से ये भी कहने में आएगा कि भगवान चरण के कमलों के ऊपर चल रहे हैं, कमलों को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन करते भी हैं, लेकिन उपमा में इसी प्रकार से कहा जाता है। तो इसके बाद आचार्य महाराज कह रहे हैं साथ साथ में हर उसमें अपने रोग की ओर भी दृष्टि है, तो उस रोग को जिसको भी दूर करना है, वैसे तो कहते हैं कि चौथे काम में ही दूर हो गया है, लेकिन फिर भी उनको भान नहीं है, वो तो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। और उसमें कह रहे हैं सर्वांगेण स्पृशति भगवान स्वयं अशेषम मनोमे, आप अपने सभी अंगों के द्वारा मेरे मन को आप पूरी तरह से स्पर्श कर रहे हैं। वहां तो केवल मात्र चरण रखे थे आपने, उस कमल के ऊपर तो केवल चरण रखे थे और वो स्वर्णिम सुरभित और लक्ष्मी का निवास हो गया था। यहाँ तो मेरा मन में आप प्रवेश कर चुके हैं और आपके एक एक अंग के द्वारा पूरा आप स्पर्शित हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पर कौन सा कल्याण नहीं होगा। श्रेय यानी कल्याण किम तत्, ऐसा कौन सा कल्याण होगा। अहरह प्रतिदिन का यन्ना यन्ना यन्माम अभ्युपेति, जो मुझे प्राप्त नहीं होगा, ऐसा कौन सा कल्याण जो है प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि मन में भाव वो भी है कि कल प्रातः काल में सेठ जी कहकर के गए हैं, जो राजश्रेष्ठ हैं उन्होंने कहकर के गए हैं कि कल राजा देखने के लिए आने वाला है, तो प्रतिदिन का ऐसी कोई बात नहीं कि जिसमें कोई ऐसी स्थिति बन जाए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य महाराज कि जिसने आपके आपको अपने मन मंदिर में प्रवेश करा दिया है, अपने मंदिर में मन मंदिर में बिठा लिया है, आप एक एक अंग के द्वारा आप पूरे मन को स्पर्शित कर रहे हैं, तो उसके लिए ऐसा कौन सा कल्याण का कार्य जो है वो प्रतिदिन का प्राप्त नहीं होगा। अर्थात सभी कल्याण यानी कल भी यदि वहां पर परीक्षा होगी तो उसमें भी अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी, ऐसे भावों के साथ में यहाँ पर ये स्तुति की गई। अभी एक प्रसंग आया था, उस प्रसंग में एक थोड़ा सा कि आचार्यशी का जब कहीं निश्चित हो जाता है ना, वैसे तो आचार्यशी का कोई निश्चित नहीं करते, लेकिन कभी कभी पंचकल्याण आदि कहीं पर होते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा लगने लगता है कि अब आचार्यशी जरूर आएंगे। तो एक जगह पर पंचकल्याण के लिए आचार्यशी का आना का निश्चित हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि हमारे घर में भी आचार्यशी के चरण पड़ना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कि अपन जिस कक्ष में आचार्यशी के आहार होंगे उसमें सभी लोग पूरे परिवार के लोग मिलकर के जाप करेंगे कि आचार्यशी का आगमन। तो सब लोग अपनी अपनी एक वहां पर उन्होंने डायरी रख दी, जितनी जिससे बने उतनी फेरो, मन में यही भाव कि आचार्यशी का वहां पर पदार्पण हो, और उन लोगों ने बहुत सारी मालाएं फेरी और आचार्यशी का आना हुआ। जहां पर वो लोग पड़घाने के लिए खड़े हुए थे उनके सामने ही कोई बड़ा परिवार था, और वो बड़ा परिवार ऐसा खड़ा हो गया कि वो लोग दिखाई ना दे, पूरी तरह से ढक जाए, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि इनके वहां ना चले जाए, और वो पूरे से रोड को घेर करके खड़े हो गए। जब आचार्यशी आए तो बिल्कुल ऐसा कि रास्ता ही नहीं निकलने का, लेकिन आचार्यशी सब जानते कैसा निकलना है, और जैसे ही निकल करके घूम करके और फिर पीछे जो लोग खड़े हुए थे वहां पर उनके यहाँ उनसे पहले प्रग्रहण हो गया। तो भावनाओं का कैसा प्रभाव पड़ता है ये इसके माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं। अब यहाँ जो भगवान हैं सारे जगत को पवित्र करने वाले हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने
समस्त दोषों पर विजय प्राप्त कर ली है, सारे गुणों से जो भरे हुए हैं, जो जहां भी जाएंगे वहां पर गुणों की खुशबू बिखेरेंगे और उसके कारण में सबके लिए हर्ष की अनुभूति अवश्य ही हो। इस पर एक और प्रसंग याद आ गया कि एक बार मेनका गांधी किसी विदेश में किसी कंट्री में गई हुई थी और वहां पर रेस्टोरेंट में जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि प्योर वेजिटेरियन, नॉट इवन एग्स, एग्स भी नहीं चलेंगे। तो वहां पर जो सर्व करने वाला बैरा था उसने कहा, आर यू जैन, क्या आप जैन हैं? तो उस समय में वो तो वहां पर बोल के बात चला गया, वहां कहने में जैन नहीं हूं लेकिन आई वुड लाइक टू बी जैन, मैं जैन बनना चाहूंगी, ऐसे भाव है मेरे। और वो चला गया वहां से ऑर्डर लेकर के, सप्लाई नहीं हुई तब तक। वहां पर वो बैठे बैठे सोचती रही कि जैन धर्म की संस्कृति के जिन लोगों ने पालन किया है और बाहर विदेशों में भी जा करके उन्होंने अपने चारित्र की सुगंध से पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाओ ये वहां पर कहना कि आप जैन हैं, इसलिए आप जो है प्योर वेजिटेरियन हैं, सुन करके उनका मन जो है बहुत ही प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने अपना किसी स्पीच में इसका वर्णन भी किया था। तो जो गुणों से भरे हुए हैं वो कहीं भी जाएंगे, वहां पर जाएंगे तो वहां पर खुशबू फैलेगी, इसीलिए भगवान जो है पूरे तीनों लोगों को जहां जहां वो जाते हैं वहां पर पवित्र करते हैं और अपने चरणों के माध्यम से जो कमल हैं उनके लिए भी स्वर्णिम सुरभित और लक्ष्मी का निवास भी कर लेते हैं। अब एक प्रश्न है यहाँ पर, एक प्रसंग है जो कि भगवान को हम पूरी तरह से स्पर्श कर रहे हैं, ये थोड़ा सैद्धांतिक विषय जैसा है। हम अपनी आत्मा के द्वारा पदार्थों को जानते हैं। आज सुबह ध्यान के विषय में भी इस बात को लिया था कि पांच इंद्रियों के माध्यम से हम पदार्थों को जानते हैं। स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से हम आठ प्रकार के जो विषय हैं उनको जानते हैं, रसना इंद्रिय के माध्यम से पांच प्रकार के रसों को जानते हैं, नासिका के माध्यम से हम सुगंध दुर्गंध को जानते हैं, आंखों के माध्यम से मुख्य पांच कलर हैं और अवांतर भेद बहुत सारे हैं हम सबको जानते हैं, कान के माध्यम से भी सारे गामा पाधानी ये सात स्वरों को जानते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हम आंखों से देखते हैं तो आंखें ही देख रही हैं, वास्तव में आंखें तो बीच का माध्यम है, आत्मा पीछे से देख रही है इन आंखों के माध्यम से। और जब आत्मा जानती है तो आत्मा एक प्रदेश से जानती है, ऐसा नहीं कि जहां पर जो प्रदेशों में आंखों के पास में आत्मा के प्रदेश हैं वही केवल जान रहे हैं, ऐसा नहीं, इनके माध्यम से जान रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है अपने के लिए कि आंखें ही देख रही हैं, लेकिन अपनी पूरी आत्मा को ज्ञान होता है क्योंकि आत्मा अखंड है, एक है। इसलिए चाहे अपन स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से, चाहे रसना इंद्रिय के माध्यम से, पांच इंद्रिय के माध्यम से कुछ भी जानते हैं उसमें अपनी पूरी आत्मा जानती है। पीड़ा जब किसी को होती है, कहीं पर कोई घाव आदि होता है तो उसमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर दर्द हो रहा है तो केवल हम यहीं पर जान रहे हैं, ऐसा नहीं, जानने वाली आत्मा है। चूंकि अपना शरीर के प्रति ममत्व भाव है इसलिए उस पीड़ा को अपन अपनी पीड़ा समझ लेते हैं तो ऐसा लगता है केवल यहीं पर पीड़ा है। पीड़ा तो जो है पूरी आत्मा में रहती है, उसके लगाव के कारण में पूरी आत्मा उसको जानती है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया है कि भगवान आप एक एक अंग के द्वारा, सभी अंगों के द्वारा आप स्पर्शित हैं, मन, मेरे मन के द्वारा पूरे एक एक अंग, आपका तो वहां पर चरण किला था लेकिन आपके एक एक अंग को हमने स्पर्श किया है। तो वो भी ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से जब हम किसी को जान रहे हैं, भगवान को जान रहे हैं, तो भगवान को हम पूरी तरह से स्पर्शित कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो है आत्मा का जो स्वभाव है ज्ञान गुण, उसके माध्यम से वो सब कुछ जान रही है, पूरी तरह से जान रही है, वही यहाँ पर स्पर्श का भाव। वास्तव में देखा जाए तो ये जो है आत्मा की ओर दृष्टि, यानी आध्यात्मिक ये जो स्तोत्र है इसमें अध्यात्म की ओर भी अपने लिए दृष्टि ले जाने की आवश्यकता है। तो हमारा जो स्वरूप है वो केवल ज्ञान मात्र, हम कुछ भी अपना परिचय दें वो सब हमारा परिचय कैसा है, सब झूठा है, वो हमारा वास्तविक परिचय है।
कोई कहे कि हम लोग मनुष्य योनि के हैं, व्यवहार से ठीक है लेकिन वास्तव में हम क्या हैं? केवल ज्ञान मात्र, केवल ज्ञान प्रकाश, केवल ज्ञान ज्योति अपना स्वरूप है। तो उसकी ओर दृष्टि ले जाने के लिए यहाँ पर कहा है कि भगवान हम आपको पूरी तरह से स्पर्शित कर रहे हैं, और उसके कारण में यहाँ पर जब आपको पूरी तरह से स्पर्शित कर लिया है तो फिर ऐसी कौन सी बात है जहां पर कमल के ऊपर जब आपके चरण रखे थे तो वहां पर कमल में इतना परिवर्तन आ गया था। तो जिस आत्मा ने आपको स्पर्शित किया है उस आत्मा का जो आधार है, शरीर है, उसमें यदि स्वर्णिम पना सुगंधित और लक्ष्मी का वो निवास बन जाए या कल्याण का प्रतिदिन का कल्याण का पात्र बन जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। तो इस प्रकार से इस काव्य में इस प्रकार की उत्कृष्ट स्थिति से वर्णन की गई। अब भगवान की जो विहार होता है उसमें कितने कमल की रचना होती है? 225 कमलों की रचना होती है। वहां पर इंद्र ऐसा नहीं मन में लगाता कि अपन अवधि ज्ञान के माध्यम से जान लें कि भगवान को किस दिशा में जाना है, तो अपन जिस दिशा में जाना है उसी दिशा में केवल कमलों की रचना कर लें, ऐसा नहीं। वहां पर तो वो भक्ति बसा सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में कमलों की रचना करता है कि किसी भी दिशा में भगवान के चरण बने वहां पर उनके लिए जो हम कमल को बिछाते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान की भक्ति की गई। अभी इसमें एक और प्रसंग थोड़ा सा व्यंगात्मक याद आ गया कि हमारा जो पहचान होती है, हमने कहा अपन लोग अपनी पहचान इस अवस्था में कुछ नाम से, कुछ कोई कितना ऊंचा है, कोई कितना पढ़ा है, कोई किस घर में रहता है, कोई किस कुटुंब का है, कोई किस परिवार का, ये हमारी पहचान, वास्तव में हमारी कोई पहचान नहीं। अपन अभी यहाँ पर है, कहीं और होते तो और कुछ पहचान होती, तो वो पहचान अपनी वास्तविक पहचान नहीं होती। अपना तो क्या पहचान क्या है? लक्षण जो होता है जो कि त्रैकालिक होता है, हमेशा पहचान में आए, तो वो क्या है? उपयोगो लक्षण, तत्पर सुख का सूत्र आता है उपयोगो लक्षण, जिसके माध्यम से पहचान होती। अब यदि हमारी कोई इन पहचानों के माध्यम से हम पहचान करने लगे और यहाँ से व्यक्ति चला गया, खत्म हो गया, अब वहां पर पूछ भाई वो कहाँ पर है, वो तो चला गया, तो फिर क्या पहचान हुई उसे? तो जो हमारी मुख्य पहचान है उसकी ओर दृष्टि भी हमको ले जाना चाहिए, नहीं तो वास्तव में हमने अभी तक अपने आप को पहचाना नहीं। भगवान के पास आकर के भगवान को देखते देखते अपने आप को पहचानने का मार्ग जिनेश्वर ने हमको बताया है उसकी ओर भी हमें दृष्टि ले जानी चाहिए। तो इसमें एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति कुछ सामान खरीदने के लिए किसी दुकान पर गया और उसने वहां पर सामान खरीद लिया। खरीदने के बाद में उसने कहा कि भाई पैसे तो पैसे दिए, कहने भाई खुले नहीं है हमारे पास में, ऐसा करना कि कल ले जाना, बाकी के जो पैसे हैं वो कल ले जाना। तो उसने कहा ठीक है और वो सामान लेकर के चला गया। अब घर जा कर के शाम के समय उसने सोते समय में फिर वहाँ पर सोचा कि मैं दुकान पर सामान लेकर के आया तो हूँ लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी दुकान थी। अब किस दुकान से मैं सामान लेकर के आऊँ, कल उससे पैसे लेने के लिए वापस जाऊँगा तो वहाँ पर वो दुकान का पता मुझे कुछ याद नहीं है। फिर उसने सोचा थोड़ा सा अपने सिर पर हाथ घुमाते हुए कि क्या था क्या था, कहले उस गाय जो है उस दुकान के सामने एक गाय बैठी हुई, उस जगह से जो है मैं सामान लेकर के आया था, कल जहां जाऊंगा वहां पर जहां गाय बैठी होगी उसी दुकान पर मैं चला जाऊंगा क्योंकि उसी पे जो है। अब ये पहचान उसने उसकी दुकान की तो ये कैसी पहचान थी? टेम्परेरी पहचान थी। किसी के घर के सामने से निकल रहे हैं वहां पर किसी के यहाँ पर कौआ बैठा है तो जिस घर के ऊपर कौआ बैठा था हम उसके घर गए थे, वो कौआ उड़ गया तो सारी पहचान चली गई। तो ऐसे ही हमारी जो अपनी पहचान हमने बाहर के रूप से बनाई है वो टेम्परेरी है, सब कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो हमारी जो अपनी पहचान है ज्ञान दर्शन, ज्ञान से हम भरे हुए हैं, एक एक प्रदेश पर ज्ञान है उसकी ओर दृष्टि के लिए। तो वो दूसरे दिन जब गया अब वो गाय किसी दूसरी दुकान के आगे सामने जाकर के बैठ गई। जब वहां बैठ गई तो उसने जाकर के कहा कि भैया हम कल आपसे सामान लेकर के गए थे और हमारे पैसे दो। तो उसने कहा कि कल क्या सामान लेके गए थे? तो उसने कहा कि कल किराने का सामान आपकी दुकान से लेकर के गए थे। तो दुकान वाला कहने देख रहे हो गाय की दुकान है देख रहे हो गाय की दुकान है? तो कहने तुम कितने धोखेबाज आदमी हो, पैसा ना वापस करना पड़े इसलिए तुमने एक दिन में पूरा अपना धंधा ही बदल दिया।
सामने वाले को जो है उलाना दे रहे हैं कि तुमने पैसे बचाने के लिए धंधा बदल दिया, लेकिन हमने पहचान का जो साधन ढूंढा, लक्षण ढूंढा, वो सही नहीं ढूंढा, तो पहचान कभी नहीं हो सकती। इसी प्रकार से यदि हम बाहरी स्वरूप के माध्यम से अपनी पहचान करेंगे तो कभी भी पहचान नहीं। हम ज्ञान मात्र हैं, इसकी ओर भी दृष्टि देखो। अपन अपने अंदर बैठ करके सोच करके कुछ भी जितने भी अपन पहचान बनाएंगे सब जो है झूठी है, सब छूटने वाली है। केवल ज्ञान ज्ञान, और वो ज्ञान जो है हमेशा अपने साथ रहता है, वो कभी भी छूटता नहीं है। उसका जो है अभिन्न लक्षण है, लक्षण वही होता है जो त्रैकालिक होता है, जो कभी भी उससे दूर नहीं होता। उसकी ओर भी दृष्टि हमें इसके माध्यम से ले जानी चाहिए। स्तोत्र ये निराला भव रोग हरने वाला कल्याण कल्प द्रोम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला होता पवित्र जग ये करते पंकज शरणिं रमानिकेतन कल्याण क्या न पाए मन अंग सब संभाला कल्याण कल्प द्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला। चलिए अगले काव्य पर। पश्यन्तं त्वत् वचनममृतं भक्तिपात्र्या पिबन्तम्। पश्यन्तं त्वत् वचनममृतं भक्तिपात्र्या पिबन्तम्। कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नन्दधाम प्रविष्टम्। कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नन्दधाम प्रविष्टम्। त्वां दुर्वारस् स्मर्मदहरन् तत्प्रसादैकभूमिम्। त्वां दुर्वारस् स्मर्मदहरन् तत्प्रसादैकभूमिम्। क्रूराकाराः कथमिवरुजा कंटका निर्लुठन्ति। क्रूराकाराः कथमिवरुजा कंटका निर्लुठन्ति। पश्यन्तं त्वत् वचनममृतं भक्तिपात्र्या पिबन्तम्। पश्यन्तं त्वत् वचनममृतं भक्तिपात्र्या पिबन्तम्। कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधाम प्रविष्टम्। त्वां दुर्वारस्
मर्मदहरं तत्प्रसादैक भूमिं क्रूराकारा कथमिव रुजा कंटका निर्लुठन्ति पश्यन्तं त्वत्पचनममृतं भक्तिपात्र्या पिबन्तम् कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधाम प्रविष्टम् त्वं दुर्वारस्मर्मदहरन् त्वत्प्रसादैक भूमिम् क्रूराकारा कथमिव रुजा कंटका निर्लुठन्ति पढ़िए पश्यन्तं त्वत् आपको जो देखने वाला है अभी भादों चालू होने वाला है ना भादों में एक महीने में पूरे महीने का एक व्रत होता है आप लोगों ने सुना है जिन मुखावलोकन भगवान का मुख देखना है लेकिन कब देखना है प्रातः काल में किसी का मुख नहीं देखना सबसे पहले भगवान का मुख देखना अब कैसे होगा संभव तो बिना नहाए क्योंकि नहाने जाओगे बाथरूम में जाओगे तो अपने मुख पहले दिख जाएगा तो ये भी एक नियम होता है जिन मुखावलोकन पूरे महीने का होता है वैसे कई लोग पूरे पूरे साल भी पालन करते हैं कुछ ब्रह्मचारी लोगों ने बताया कि हम आश्रम आदि में रहते हैं तो सबसे पहले चाहे 2 बजे 3 बजे जितने बजे भी उठे सबसे पहले उठ करके जा करके भगवान के श्रीमुख के दर्शन करते हैं ये जिन मुखावलोकन व्रत भादों में पड़मा से प्रारंभ होकर के पूरे उसमें कोई करना चाहे तो उसको कर सकता है और कुछ व्रतों के साथ में करें कासन आदि के साथ करना चाहे तो भी कर सकते हैं उपास के साथ वो तो अलग है यदि नहीं भी तो कम से कम जो है भगवान के दर्शन करके तीनों संध्या काल में एक अणमोकार मंत्र की माला अब सुबह सुबह उठ करके जो मंदिर के आसपास रहते हैं वो तो संभव है उनके कि उठ करके सीधे आए और भगवान के दर्शन जहाँ से बिना स्नान किए हुए भी हो सकते हैं आप लोग करते नहीं करते से बिना स्नान किए हुए जैसे बिल्कुल वहां पे दरवाजे के पास से ही वहां से खड़े होकर के चैनल के बाहर से ही भगवान को सुमतिनाथ भगवान के यहाँ पर दृष्टि पड़ जाए नहीं आएगी वहां से आज सामने तो ऊपर से दिख जाएंगे बाहर से ही ऊपर से दिख जाएंगे तो जो लोग पास में रहते हैं वो इसका पालन कर सकते हैं तो सुबह सुबह सबसे पहले फिर कैसे हम भी कई जगह पर रहते हैं पालन करते हैं यहाँ पर अभी नहीं हो पा रहा है वैसे जहाँ पर रहते हैं वहाँ पालन करने की कोशिश करते हैं सुबह उठने के बाद में सबसे पहले भगवान के ही दर्शन करने जाते हैं तब तक किसी के को देखते ही नहीं है उठ करके जाना भी है थोड़ी दूर पर भी तो वहां पर नीचे देखते देखते जाएंगे और सबसे पहले भगवान की ओर दृष्टि डालेंगे तो ये जिन मुखावलोकन व्रत होता है हमें थोड़ा ध्यान रख करके आए थे हमने कहा कि भादों आ रहा है शायद कोई एकाध भी कोई कर ले तो अच्छी बात है तो ये फिर हमसे कोई लोगों ने पूछा कि महाराज हम तो बहुत दूर रहते हैं हमारा तो पॉसिबल नहीं है कैसे करेंगे तो हमने कहा कि ऐसा कर सकते हैं आप लोग जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वहां पर धर्मशाला में मंदिर के आसपास ही शयन होता है तो उस समय में ये ना मन में रहे तो सही उसके प्रति कि ये भी कोई है सुबह सुबह उठ करके अपनी आंखों से और किसी को नहीं देखना है सबसे पहले जिन्हें भगवान के ही दर्शन करना है कितनी अधिक एक श्रद्धा की बात है उसमें इसको जिन मुखावलोकन व्रत कहते हैं तो यहां पर पश्यन्तं त्वत् जो आपको देखने वाला है और वचन अमृतम भक्ति पात्रया पिबन्तम् आपके वचन रूपी अमृत को भक्ति रूपी पात्र से पीने वाला कर्मारण्यात् पुरुषमस्मान् आनंद धाम प्रविष्टम् भगवान कैसे हैं कर्म रूपी संसार से निकल करके कर्म रूपी जंगल से निकल करके
और जो किसी के लिए उपलब्ध नहीं है ऐसे आनंद धाम में, असमान आनंद धाम प्रविष्टम, अनुपम सुख के स्थान यानी मोक्ष में जो प्रविष्ट हो चुके हैं कर्म रूपी बन से निकल करके। और कैसे भगवान दुर्वार स्मर मदहरम, जिसको जीतना मुश्किल है ऐसे स्मर यानी काम के मद को हरण करने वाले, क्योंकि काम के बस में एक इंद्री से लेकर के सारे जीव जो है काम के वशीभूत हैं, सब ने जो है काम में सब पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे दुर्वार जिसको जीतना मुश्किल है ऐसे काम के मद को हरने वाले। तत् प्रसादेक भूमिन, भगवान की जो भक्ति करता है, तो यहाँ पर जो भगवान की भक्ति करता है तो भगवान का आशीष भी उसके लिए प्राप्त होता है, तो भगवान की प्रसन्नता का स्थान भूत ऐसा जो व्यक्ति है जो भगवान के प्रतिदिन दर्शन करता है, एक एक बार नहीं तत्काल संध्या में दर्शन करता है और भगवान के वचनों को, वचन रूपी अमृतों को भक्ति रूपी पात्र से पीता है, कान से पीता है, कान से पीते हैं वचनों को लेकिन उसको भक्ति रूपी पात्र से जो है पान करने वाला। और भगवान कैसे हैं, भगवान के यहाँ पर दो विशेषण बताए कि जिन्होंने कर्म रूपी वन से निकल करके मोक्ष स्थान को प्राप्त किया है और जिन्होंने जो दुर्जय कामदेव के ऊपर जय प्राप्त की है, ऐसे भगवान को जो नित्य दर्शन करता है, जिनके वचनों को भक्ति रूपी पात्र से पीता है, और ऐसा व्यक्ति ही कैसा होगा, वो भगवान की प्रसन्नता का पात्र भी होगा। तो तत् प्रसाद एक भूमि, ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, यानी इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसके लिए क्रूराकारा, क्रूर आकार वाले, रुजा कंटका तथमिव निर्लुठंती, यानी क्रूर आकार वाले रोग रूपी, रुजा यानी रोग और कंटका यानी कांटे, ऐसे व्यक्ति के लिए रोग रूपी कांटे किस प्रकार से पीड़ा दे सकते हैं, यानी भगवान के जो प्रतिदिन दर्शन करने वाला है, भगवान की वाणी का पान करने वाला है, और भगवान भी ऐसे कैसे हैं कि जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। वास्तव में यहाँ पर भगवान के स्वरूप के बारे में भी, कि भगवान के स्वरूप कभी यहाँ पर सुबह प्रातः काल में महाराज जी जो बताते हैं कि भगवान कौन होते हैं, 18 दोषों से रहित भगवान होते हैं, तो उनके लिए जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है और जिन्होंने दुर्जय काम के मत को भी हरण किया है, ऐसे भगवान को जो दर्शन करता है, उनके वचनों को सुनता है और उनके प्रसाद यानी उनकी प्रसन्नता का जो स्थान भूत है, ऐसे व्यक्ति के लिए रोग रूपी कांटे कैसे पीड़ा दे सकते हैं। अर्थात यहाँ भी आचार्य महाराज ने ऐसा नहीं किया कि भगवान हमारी जो है रोग को दूर कर दो, लेकिन ये कह दिया कि जो आपकी भक्ति करता है, आपके दर्शन करता है, तो उसके लिए रोग रूपी कांटे किस प्रकार पीड़ा दे सकते हैं, अर्थात वो पीड़ाओं से मुक्त अवश्य रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी इसी भक्ति के जो प्रवाह को आचार्य महाराज ने कायम रखा। अभी हमने एक बार पहले बताया था आपके लिए कि इसमें कौन से भगवान की स्तुति है, किसी ने तो लिखा है कि आदिनाथ भगवान की स्तुति है, लेकिन हमने इसके बारे में चिंतन करके कि यहाँ पर जिन्होंने दुर्वार स्मर मदहरम, दुर्जय काम के मत को हरण किया है, तो इसके माध्यम से इसमें से कोई 5 बाल यतियों में से कोई बाल यति होना चाहिए। तो ये एक अभी यहाँ पे एक पॉइंट अपन ने भी यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि इसी प्रकार से खोज की जाती है कि इसमें कौन से भगवान की स्तुति है, क्योंकि कहीं पर नाम तो आया नहीं है, तो उसमें अपने को खोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके बिंदु के माध्यम से आगे भी इसमें आएंगे पॉइंट, उनको अपन देखते चलेंगे, तो उससे फिर अपन वहाँ पर निर्धारण करेंगे कि 5 बालियतियों में से भी कौन से भगवान इसके मुख्य होना चाहिए। लेकिन जो आचार्य महाराज के मन में होंगे वो तो आचार्य महाराज की बात तो अपने को ज्ञात नहीं है, लेकिन अपन फिर भी उनके काव्य को देख करके जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो ये जो है काव्य में भगवान के दर्शन, तो भगवान के दर्शन के लिए हमने एक दिन बताया था कि कैसी ललक होती है, याद है आपको कल्याण मंदिर के समय बताया था कि भगवान के दर्शन की ललक ऐसी होनी चाहिए जैसे कि कैसी, हमने बताया था कि जैसी जो है ठंड के समय में जिसकी कुटिया, जिसकी झोपड़ी जर्जर हो और जहां पर रात में खूब ठंड लगती हो, तो वो कैसा सोचता है कि कब रात निकले और कब सूरज आए, ऐसी जैसी ललक उसकी सूरज के लिए रहती है वैसी ललक भक्त की भगवान के दर्शन के लिए। रात जो है बीच में हमारे लिए आ गई है, अब हम
दर्शन नहीं कर सकते, तो कब जो रात बीते, कब सुबह प्रातः काल हो और हम भगवान के दर्शन प्राप्त करें। ज्यों गरीब की देह को जड़ तारे को घाम, तुलसी के कब हो लगो वैसे हो प्रभु राम। तो यहाँ पे तुलसीदास जी का ये दुआ है कि वैसी ललक, वैसे भगवान की दर्शन की ललक होनी चाहिए। और भगवान की वाणी कैसी है, भगवान की वाणी के बारे में बहुत संसार में बहुत से ऐसे वचन मिल जाते हैं जो अपने को सुनने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन वो अपने लिए कल्याणकारी नहीं होते। भगवान की वाणी कैसी होती है, उसमें कवि ने लिखा, आपने शायद सुना भी होगा वो कवित्व, कैसे कहूँ केत की कनेर एक कही जाए, पी आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। केत की और कनेर दोनों पीले पीले होते हैं फूल, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। कनेर कड़वा होता है, केत की जो है बहुत सुंदर सुगंधित भी होती है। और आक दूध और गाय दूध, आक अकौवा होता है उसका भी दूध निकलता है और गाय का दूध होता है, दोनों में कितना अंतर होता है सब लोग परिचित हैं। पीरी हो तेरी री पैना रीस करे कंचन की, जो पीतल होती है वो भी पीली होती है और स्वर्ण भी पीला होता है, लेकिन कितना अंतर होता है। कहाँ काग बानी कहाँ कोयल की टेर है, कौए की वाणी और कोयल की वाणी में कैसा अंतर होता है। कहाँ भानो भारो कहाँ अंगिया बिचारो कहाँ, यानी सूरज और जुगनू, कहाँ भानो भारो कहाँ अंगिया बिचारो कहाँ, पुनो को उजारो कहाँ मावस अंधेर है। पूर्णिमा का उजाला और अमावस का अंधेरा, ऐसा जो है अंतर है। पच्छ छोर पार की निहारो ने कनी के करी, जैन बैन और बैन इतनो ही फेर है। जैन भगवान की वाणी और अन्य वाणियों में इतना ही अंतर है। इस प्रकार से जैन भगवान की वाणी का जो पात्र, जो पात्र भक्ति रूपी पात्र से पान करने वाला है, भगवान के दर्शन करके प्रतिदिन, और भगवान कैसे हैं जिन्होंने कर्म रूपी वन से निकल करके मोक्ष रूपी आनंद धाम में प्रवेश किया है और दुर्जय मद रूपी काम रूपी मद का मरण हरण किया है, ऐसे और भगवान के प्रसाद प्रसन्नता की भूमि, ऐसे व्यक्ति के लिए क्रूर आकार वाले रोग रूपी कांटे किस प्रकार से पीड़ा दे सकते हैं, अर्थात उसके लिए रोग रूपी कांटे पीड़ा नहीं देंगे। दुर्जय मदन को जीता जग छोड़ मुक्ति पाए, पीता जो वाणी अमृत लखता कृपा समाए, फिर रोग रूपी कांटा क्या पीड़ा देने वाला, कल्याण कल्प द्रुमये प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला पादन्यासादपि चपनतो यात्रया ते त्रिलोकी, हेमा भासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्मः, सर्वांगेण स्पृशति भगवान् स्वय शेषं मनो मे, श्रेयः किं तत् स्वयमहर्हर्यन्न मामभ्युपैति, पश्यन्तं त्वद्वचनमृतं भक्तिपात्याप्यवन्तम्।
कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्द धाम प्रविष्टम्। त्वं दुर्वार स्मरमदहरन् त्वत्प्रसादैक भूमिम्। क्रूराकारा कथनिवृजा कंटिका निर्लुठन्ति। अक्षर पद मात्रा से दूषित बचने अगर मम हीन रहे। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा। Ooh।